युवावस्था पूर्व के आहार एवं विहार की परिचर्या हम देख रहे थे, उसमें खास करके आहार और विहार के बाद हमने मंत्र की बात भी देखी थी और औषधि की बात देखी थी। औषधि में भी बहुत ही गहरा विचार आयुर्वेद में वाजीकरण में किया गया है। आयुर्वेद में आयुर्वेद के 8 अंग है जिसको अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। उसमें वाजीकरण एक क्रिया है। वाजी का अर्थ ही होता है घोड़ा। तो घोड़ा ये एक गति का और शक्ति मिश्रित का एक सिंबल है। तो यहां पर मैथुन शक्ति सेक्स पावर के संबंधित या जो संतानोत्पत्ति के योग्य जो शक्ति होती है शुक्र में और रज में, इस खास करके शुक्र में पुरुषों के लिए, उसके लिए वाजीकरण शब्द का उपयोग किया है। तो वाजीकर औषधियां किसको नहीं लेनी है वो भी बताया है कि बाल्यावस्था में वो नहीं लेनी है 16 साल तक, और वृद्धावस्था में भी वो नहीं लेनी है क्योंकि वो काम को बढ़ाती है। तो 16 से आसप्त आसोड़सात आसप्ततिर यौवनम ऐसा महाभारत में बताया है। वही आयुर्वेद में उसका प्रमाण लिया है कि 16 साल से 70 साल तक 70 तक यौवन माना जाता है, वहां तक वाजीकर औषधियां ली जा सकती है। आज के समय में 50 दिने आयुष्य कम होने की वजह तो वो वाजीकरण औषधियों का सेवन। अब गर्भावस्था के पूर्व ऐसे ही शुक्र को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन करने, उसमें मुख्यतः से अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, कौचा, खास कौचा वो पुरुषों के लिए बताई गई है। स्त्रियों के लिए भी शतावरी, अशोक, विदारी कंद, अश्वगंधा ये बताई गई, शिलाजीत दोनों के लिए कॉमन बताई गई है। तो ऐसे अलग अलग औषधियां स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए बताई गई है जो शक्ति का एक जो है वो सेल्स को बढ़ाती है और शक्ति का संरक्षण करके शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ऐसी वाज अर्थात वीर्य भी होता है, वो खास वीर्य संबंधित जो शक्ति प्रदान करने वाली औषधियां है उसको वाजीकर औषधियां कहते हैं। वो पुरुष को और स्त्रियों को, स्त्रियों को रज शुद्ध करने वाली औषधियां बताई गई है जिसमें लोद्र है, अशोक है, जिसमें पीपल है, जिसमें शतावरी है, ऐसी बहुत सारी औषधियां स्त्रियों के लिए बताई गई है जो एक औषधि का संयोग करके बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी संस्थाएं बना रही है। अब इसका सेवन बहुत ही आवश्यक होता है, खास करके कुछ आहार का और कुछ आहार ही औषध बन जाए ऐसे भी योग दिए हैं। खास करके उड़द की दाल का है, उड़द की दाल होती है वो भी इस तरह की वाजीकर मानी जाती है। उड़द की दाल का घी के साथ सेवन करना भी बहुत ही अच्छा माना गया है, स्त्री खास करके स्त्रियों के लिए है। पुरुष भी उसका सेवन कर सकते हैं, घी में छोक लगाकर उड़द की दाल का सेवन करें गर्भावस्था से पूर्व में। वो ऐसे तो आहार है लेकिन एक औषध का योग बन गया है क्योंकि घी और उड़द के दाल का संयोग करते हैं, उसमें छोक लगाते हैं और उसके बाद उसका सेवन करते हैं, भिगो कर रख देते हैं तो पचने में भी आसानी होती है। तो ये उड़द की दाल का सेवन करने को बताया है। खास करके औषधियों के लिए अलग अलग औषधि मिलाकर उसका चूर्ण करना बहुत कठिन होता है, इसके लिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने भी धातु पुष्टि चूर्ण ये सारी औषधियों का चूर्ण मिश्रण करके बनाया है। बहुत सारे ऐसे चूर्ण है जो योगों से बनाते हैं और वो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। स्त्रियों को खास करके औषधि योग में और भी फोलिक एसिड के लिए या लो तत्व के लिए औषधियां लेनी जरूरी होती है क्योंकि गर्भावस्था में ये दोनों तत्वों की बहुत जरूरत होती है वो हमको पता है। इसके लिए हम प्रेगनेंसी के दौरान जो तत्वों की आयरन की गोलियां खाते हैं उससे पहले ही हम लोहे के बर्तनों में यदि भोजन बनाएंगे, लो तत्व से भरपूर यदि सब्जियां या तो और कुछ औषधियां खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आयुर्वेद में एक औषधि है मंडूर भस्म, थोड़ी मंडूर भस्म लेकर हनी के साथ मिलाकर उसका सेवन करेंगे तो लो तत्व रहेगा शरीर में पर्याप्त मात्रा में और इसके कारण जो आगे लोह तत्व की कमी जो होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उससे जूझना नहीं पड़ेगा। तो लोह तत्व होना चाहिए। फोलिक एसिड के लिए मिस्ट नीम का उपयोग होता है, ऐसा बहुत सारे वैद्य और बहुत सारे साइंटिस्ट भी अनुभव के आधार पर बताते हैं, आज भी वो सिद्ध हो चुका है। तो मिस्ट नीम कड़ी पत्ता,
करी पत्ता का चूर्ण पूर्व में ही सेवन करेंगे तो फोलिक एसिड के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। गर्भावस्था में भी उसका सेवन बहुत ही अच्छा होता है, अनेक माध्यमों से जो फोलिक एसिड उसमें मिलता है। और सारी सब्जियों का भी सेवन करना बताया है, लौकी वगैरह का। आज खास करके औषधों में, ये कुछ औषधों की मैं बात करूंगा, तो उसमें औषधियों में मैंने जो गिना दी, स्त्रियों के लिए लोद्र है, शतावरी है, अश्वगंधा है, विदारीकंद है, ऐसी औषधियां बहुत ही उपयोगी होती है शरीर की शक्ति के लिए। दूसरा एक मैं बताता हूं, संकल्प वृष्याणाम, आनंद में रहना भी वृष्टता को बढ़ाता है। ये साइकोलॉजिकल, ये औषध है, लेकिन ये इस तरह का औषध है कि जो मनोवैज्ञानिक औषध हम उसको कह सकते हैं। और मन का जो दौर मनुष्य है वो शुक्र नाश के लिए बताया है, वो अवृष्य बताया है, दौर मनुष्यम अवृष्याणाम। तो दौर मनुष्य है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो सभी चिंता है, व्यग्रता है, वो दौर मनुष्य कहा जाता है, वो वृष्टता को नष्ट करता है, तो भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सा है। तो ये एक तो संकल्प वृष्याणाम, अच्छे जो इच्छाएं है, अच्छी मतलब धारणा है, अच्छे विचार है, वो करे, प्रसन्नता से रहे, तो वो वृष्य होता है, वो काम शक्ति को बढ़ाता है, वो शुक्र की स्थिति को, शक्ति को बढ़ाता है, रज की शक्ति को, स्थिति को बढ़ाता है। और दौर मनुष्य है, चिंता है, व्यग्रता है, वो इसको घटाता है, इसके लिए दौर मनुष्य को छोड़ दे और प्रसन्नता से रहे। इसके लिए दोनों का प्रसन्न होना संतति के लिए जरूरी है, इसलिए चरक सूत्र में बताया है सौ मनस्यम गर्भधारणा नाम, गर्भधारक भावों में दोनों का सौ मनस्य होना, सुमनस्ता होना, प्रसन्नता होना, ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये इसके लिए औषधि और मनोवैज्ञानिक व्यापारे दोनों की हमने बात की। ये दोनों के लिए धातु पुष्टि प्राशन, धातु पुष्टि चूर्ण और विभिन्न योग बताए गए हैं, जो कौचा के नाम की औषधि के है, अश्वगंधा शतावरी के, अनेक प्रकार के योग है। खास करके उसमें चांदी का सेवन भी बहुत ही उपयोगी होता है स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों के लिए। तो इस समय चांदी के बर्तनों में कुछ पात्र में रखे हुए दूध का, दही का सेवन करना बहुत उपयोगी होता है गर्भावस्था पे, पूर्व में भी और बाद में भी, तो इसका सेवन अवश्य ही करना चाहिए। खास करके एक और औषधि मुझे याद आती है, उसका नाम है पुत्रंजीवक, जिया पोता और शिवलिंगी की बीज। जिया पोता का सेवन, पुत्रंजीवक का सेवन भी उसके पूर्व में आवश्यक होता है। शिवलिंगी का बीज का सेवन उसको गलने होते हैं, जो गर्भाशय को शुद्ध करके गर्भाशय की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो पुत्र शिवलिंगी के बीज में तो बहुत सारे हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है उसमें, तो वो संतति के लिए बहुत लाभदायक है। तो शिवलिंगी का बीज को गलने होते हैं 7 से 11 बीज रोज सुबह, उसको हम गर्भधारक बीज के नाम से जानते हैं, गर्भधारण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो शिवलिंगी के नाम की एक वनस्पति है, उसके बीज है, वो शिवलिंग के आकार के आते हैं, इसके लिए उसका नाम शिवलिंगी पड़ा है, एकदम छोटा सा शिवलिंग है, ऐसे वो बीज होते हैं। तो उसको 7 से 11 बीज गलने, कब गलने, तो जब भी आपको लगे कि अब गर्भावस्था के लिए हम तैयार है, संतति के लिए तैयार है, तब से वो गलना चालू होता है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पुत्रंजीवक के बीज भी 7 दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, उसका चूर्ण बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन शिवलिंगी के बीज तो गलेंगे, तो वो तो बहुत ही फायदा करेंगे। खास करके चौथे दिन के लिए एक औषध बताया है कि बहनों को मेंसिस पूरा हो जाए उसके बाद, भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताया है, पत्रम एकम पलाशस्य पिबेत नारी, अर्थात रोज एक पलाश का पत्ता, एक या दो पत्ता उसका रस निकालकर, या फिर उसको ऐसे ही चबा चबा कर खा जाए, या सूखे हुए पत्ते का चूर्ण भी खा सकते हैं, पलाश पत्र का चूर्ण। तो वो कब खाना है, तो चौथे दिन से, मतलब मेंसिस पूरा हुआ, अब गर्भधारण की तैयारी है, तो चौथे दिन मेंसिस पूरा हो जाने के बाद चौथे दिन से लेकर 7वें, मतलब कंटिन्यू 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक वो खा सकते हैं दूध के साथ। तो पलाशस्य पत्रमेकम, ऐसा भाव प्रकाश में बताया है कि वो एक संतानदायक प्रयोग है, औषध प्रयोग है। वो 7 दिन या 15 दिन तक पलाश पत्र का पत्ता लेकर, पलाश अर्थात होता है एक वनस्पति जिसके फूल आते हैं, जिसके पत्ते, तो आप देख सकते हैं पलाश को, बहुत
ही प्रसिद्ध वृक्ष है, ये सब जगह लगभग लगभग भारत में होता है, तो उसके पत्र का चूर्ण भी आता है, वो भी लेना आसान है। एक एक चम्मच चूर्ण उसको ले सकते हैं 7 दिन तक या 14 दिन तक। एक गर्भधारक योग औषधि भी है जो कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो घर पे नहीं बनाई जाती है, इसलिए बिल्कुल उसको गर्भधारक योग नाम से बनता है। वो गर्भधारक योग भी 4th दिन से कंटिन्यू 10 या 15 दिनों तक, जब तक मतलब गर्भधारण के योग्य दिन होते हैं जो 16 दिन माने गए हैं, 16 से 20 दिन, तो उस समय तक रोज उसको ले सकते हैं गर्भधारक योग नाम के औषध। तो ये विशेष थे प्रयोग जो गर्भधारण के लिए योग थे। एक शंखावली का भी प्रयोग मिलता है, शंखावली का चूर्ण भी मेंसिस के बाद कंटिन्यू यदि दूध के साथ लिया जाए, पुरुष और स्त्री दोनों ले सकते हैं, तो भी उत्तम संतति की प्राप्ति होती है, ऐसे भी शास्त्र में वर्णन मिलता है। तो ये गर्भधारण करने के लिए उपयुक्त औषधि जो गर्भावस्था से पूर्व में लेनी है, इसका वर्णन अभी हमने किया। और सारी औषधियों की बात है अभी, और गर्भावस्था में क्या क्या करना है उसकी भी बात है, तो हम उसकी बात आगे करेंगे। नमस्कार। चैतन्य मंत्र।